अंकित चौहान वही राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जिनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने इल्ज़ाम आरोप रखा है कि वो स्पॉट फिक्सिंग में उनका नाम आ चुका है और उन्हें गिरफ्तार किया गया। वैसे तो अंकित की शादी होने वाली थी, इस घर पे शहनाई बजने वाली थी कुछ ही दिन में, लेकिन एक अजीब सी उदासी छाई है। हमारे साथ है अंकित के बड़े भाई निहार और उनके कजिन्स नीनात और जय। हम उनसे जान के बात कर लेते हैं कि परिवार पे क्या गुजरी है और इस इम्तिहान की घड़ी में वो अंकित के पीछे कितने गंभीरता से खड़े हैं। निहार, आप बताइए, कितना बड़ा सदमा है ये आपके लिए कि अंकित को दिल्ली पुलिस के गिरफ्तारी में जाना और वो भी एक स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में? ये कम्प्लीटली शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया और वो बेसिकली कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता है। वी कम्प्लीटली बिलीव कर रहे हैं कि हम लोग उस पर पूरा ट्रस्ट है कि हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि इतना मेहनत करता रहे, ये सब जो कर ही नहीं सकता, उसके लिए क्रिकेट इज हिज फर्स्ट लव। तो मुझे लगता नहीं कि उसने कभी किया। अभी हम लोग तो बहुत छोटे लोग कुछ बोल सकते क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन वी होप कम्स आउट क्लीन एंड वी ट्रस्ट कि वो इनोसेंट है। निहार, एक बात ऐसी कहा जाती है कि इस गिरफ्तारी में या इस आरोपों में क्या अंकित फंसा हुआ है, किसी ने जानबूझ के उसे फंसाया हुआ, आप परिवार को आपको क्या लगता है? डेफिनेटली वो तो ये कर नहीं सकता, तो मे बी उसको फंसाया गया होगा। हमको वी आर हम लोग बहुत छोटे लोग हैं बोलने के लिए कि ये हुआ है वो हुआ है, अभी एक्चुअल देखना है क्या हुआ है, बट हम लोग को यही बिलीव है कि वो इनोसेंट है और उसने कुछ किया नहीं है। निनाद, आप और जय अंकित को बचपन से जानते हो, जो सवाल मैंने निहार से किया उसी सवाल का आप जवाब देते। एक कन्वर्सेशन सामने आया जो चंडीला और अंकित के बीच में है, क्या आप मानते हो कि अंकित को किसी को कोई फंसा रहा है या किसी को कोई उसके जानबूझकर इसमें ट्रैप कर रहा है? हो सकता है कि उसको फंसाया गया, पर एट द सेम टाइम मुझे पता है कि अंकित ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसको बचपन से देखा है। वी आर गोना बैकिंग अप। हम लोग उसके पीछे खड़े रहने वाले कुछ भी हो। एट द सेम टाइम वी बिलीव इन लॉ एज वेल एंड वी ऑल्सो बिलीव अंकित मोर देन द लॉ। तो मुझे लगता है कि ही इज़ गोना कम आउट क्लीन। जय, आप क्या कहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अंकित इज़ वेरी इनोसेंट। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो ऐसी कोई चीज़ कर ही नहीं सकता।